फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी उर्दू फ्रेंड्स और ये है आपके लिए नई रीडिंग फ्रेंड्स। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और क्या मैसेज है उनका आपके लिए। सो आज इस रीडिंग में डिटेल में देखेंगे, काफ़ी टाइम हो गया था डिटेल में रीडिंग करे हुए। सो मैंने शॉर्ट्स पोस्ट करे थे, अगर आपने देख लिए हो तो देख लो शॉर्ट्स जाके। और मैंने मेन चैनल पे भी काफ़ी सारी रीडिंग्स की है मैजिक वेंस टेरो पे, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो फ्रेंड्स। पर्सनल रीडिंग्स बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट, करंटली आई एम फुली सोल्ड आउट फ्रेंड्स। तो अगर आप कोशिश कर रहे हो रीडिंग बाय करने की तो यू हैव टू वेट अ बिट फ्रेंड्स। जी हाँ, क्योंकि मैं बॉट्स से रीडिंग्स नहीं करती हूँ, काफ़ी सारे लोग बॉट्स भी यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे हैं, मैं खुद ही करती हूँ पर्सनली। तो मैं ह्यूमनली जितना पॉसिबल होता है उतनी रीडिंग्स कर पाती हूँ, और हर रीडिंग को टाइम की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि बस दो मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती फ्रेंड्स। और आप लोग कैसे हो फ्रेंड्स, हाउ आर यू आर डूइंग। बहुत ही एक्साइटिंग एनर्जीज आ रही हैं आगे, और आप ज़रूर चैनल को वॉच करते रहो बिकॉज मैं रेगुलरली पोस्ट करने वाली हूँ, बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। सो पहले इस रीडिंग पे फोकस कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये जनरल और टाइमलेस है, सो आप कभी भी देख सकते हो। सो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग करंटली, थीम क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, लेट्स सी। टेम्परेंस, तो आपके पर्सन बैलेंस में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में आउट ऑफ बैलेंस थी उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। द मैजिशियन, आई डेफिनेटली फील आपके पर्सन आपको सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स आपके पर्सन जो है खुद में चेंज ला रहे, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ ग्रीन 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 ग्रीन। इट्स लाइक पहले हो सकता है आपके पर्सन टॉक्सिक रहे हो, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू बैलेंस आउट देम सेल्स, कि वो टॉक्सिक ना रहे आपके लिए, अपने लिए, किसी और के लिए। द नाइट ऑफ वॉन्स, फीलिंग वेरी पैशनेट अबाउट यू फ्रेंड्स। डेफिनेटली आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हो रहा है आपसे। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, कलीग हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप रोमांटिक ही ले इस रीडिंग को, यू कैन वॉच इट फॉर एनी बडी एक्चुअली, फ्रेंड, बॉस, कोई भी, कलीग, सिस्टर, ब्रदर, वॉट एवर। आप थोड़ा उसको चेंज कर लो अपने हिसाब से, बिकॉज बेसिकली आई एम ट्राइंग टू रीड फॉर पीपल, जो आई एम ट्राइंग टू गिव यू द एनर्जीज बिटवीन टू पीपल। ये कोई भी हो सकते हैं आपके लिए, राइट? सो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं फ्रेंड्स, दे वॉन्ट टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू। आई फील अगर ये न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में तो दे आर वर्किंग ऑन देम सेल्स, दे दिस इज़ अ हेल्दी पर्सन, और यू कहें कि दिस इज़ यू नो, ये पर्सन बैलेंस्ड हैं या हो रहे हैं और आपकी तरफ मूवमेंट शो करेंगे जल्दी। आई ऑल्सो फील डेफिनेटली ये पर्सन हो सकता है आपके पास्ट से हो, दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू बैक अपनी लाइफ में, और ये कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को बैलेंस आउट करने में, अपनी यू नो ईगो वगैरह को बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। हाउ इज अवर यूवर्स पर्सन फीलिंग? द लवर्स, आई फील डेफिनेटली आपके पर्सन के पास चॉइस है फ्रेंड्स, आपके और किसी और पर्सन के बीच में। आई फील लाइक दे वांट टू, आई डोंट नो, देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन यू एंड दिस पर्सन फ्रेंड्स, एंड आपके पर्सन चाहते हैं वो डिस्टेंस कम हो जाए। लाइक आपके पर्सन चाहते हैं जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच आ गया ये कम हो, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये डिस्टेंस कम हो जाए। हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट में हो, हो सकता है आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, या आप दोनों क्रश हो एक दूसरे के, अभी तक उन्होंने आपसे अपने दिल के जज्बात नहीं किए हैं। चैरियट, या आई ऑल्सो फील ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या रिसेंटली आपके पर्सन ने कहीं शिफ्ट या रिलोकेट किया है और इस वजह से वो आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मे बी दे लेफ्ट योर सिटी, सो डेफिनेटली दे आर मिसिंग यू। आई ऑल्सो फील के यू नो, आपके पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। लाइक अगर लॉन्ग डिस्टेंस में दे वांट टू मूव टुवर्ड्स यू, मीट यू, यू नो, टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। द फोर ऑफ वॉन्स, येस, दे सी यू एज अ मैरिज मटीरियल फ्रेंड्स, वो डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं या आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देखते हैं। एक और चीज़ मुझे लग रही है, हो सकता है इस पर्सन ने किसी और से शादी की हो, या वो किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। बट इवन देन फ्रेंड्स, दिस पर्सन आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं फ्रेंड्स। आपके बीच हो सकता है कोई और आए हों, लेकिन दिस पर्सन रियली फील्स अ लॉट ऑफ लव टुवर्ड्स यू। फाइव ऑफ कप्स, आई एम सॉरी, आई एम डिसअपॉइंटेड, मैंने आपका दिल दुखाया उसके लिए, आई एम सॉरी। अगर उन्होंने किसी और को चूज़ करा है तो रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज
मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, इन्होंने पैसे के लिए किसी और से शादी कर ली. मे बी दैट पर्सन वॉज रिच. सिक्योरिटी, आई डोंट नो, हो सकता है डिफरेंट रिलीजन कल्चर या फैमिली की वजह से, प्रेशर की वजह से इन्होंने किसी और से शादी की. बट नाउ दैट कॉन्स्टेंटली एवरी डे रिग्रेट दिस डिसीजन. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, हो सकता है आप दोनों ने शादी वगैरह ना हुई हो उनकी, बट वो आपसे इसलिए दूर हैं कि आपने कमिटमेंट मांगा या आप यू नो यू वॉन्ट कमिटमेंट एंड वो देना नहीं चाह रहे थे. बट नाउ दे आर रियली सॉरी. नाइन ऑफ कप्स. आई डू फील फ्रेंड्स, एवरी डे लाइफ में आपके पर्सन ऐसे हैं दुखी, सैड और बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो एकदम खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं. तो दे डेफिनेटली फील लाइक यू आपके साथ जो बिताया टाइम था, देवर देयर हैप्पीएस्ट टाइम्स, इट वॉज द बेस्ट टाइम इन देयर लाइफ. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, वो अभी भी आपको सोचते रहते हैं. आई फील वो आपकी पिक्चर्स, आपके वीडियोज़ देखते रहते हैं, या अगर आपका कोई सोशल मीडिया है तो उसको स्टॉक करते रहते हैं, आपके बारे में जानकारी लेते रहते हैं. आई फील लाइक दिस पर्सन इज रियली गिल्टी फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ गिल्ट इज देयर. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये आपके न्यू पर्सन है लाइफ में, क्रश वगैरह हैं, या समबडी जिसको आपने प्रपोज करा है और उन्होंने कह दिया अरे आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर यू. बहुत बड़ा झूठ बोला है फ्रेंड्स उन्होंने. दिस इज़ लाइक अ बिग लाई और गिल्ट है, बिकॉज दिस पर्सन डेफिनेटली लाइक्स यू. हो सकता है ये आपके फ्रेंड हो, या आप इनसे कहीं शादी वगैरह पे, ऑल्सो हो सकता है ये न्यू है, जैसे जिनसे आप शादी पे मिले, कहीं पे फंक्शन में मिले, आपके कलीग हैं, बॉस हैं, टीचर हो सकते हैं. लाइक हो सकता है उन्होंने आपसे कहा कि नहीं हमें तो ऐसा कुछ महसूस नहीं है, आई एम नॉट अट्रैक्टेड, यू नो वी आर जस्ट फ्रेंड्स. बट आई थिंक दैट वॉज अ बिग लाई, बिकॉज सी द लवर्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, दे क्लियरली लव यू फ्रेंड्स और आपसे झूठ बोल रहे हैं. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आई ऑल्सो फील उनको लगता है आप बहुत इंडिपेंडेंट हो और आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो, अपनी लाइफ में खुश हो, और इस चीज़ से वो काफ़ी जल रहे हैं, बिकॉज आपके पर्सन तो दुखी हैं फ्रेंड्स. उन्होंने अगर किसी और को चूज़ किया है तब भी वो दुखी हैं. स्ट्रेंथ, आई फील काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटेंस कनेक्शन है, फीलिंग्स बहुत इंटेंस हैं आप दोनों के बीच में. एक और चीज़ मुझे लग रही है, आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं. आई फील अभी भी आपके पर्सन के जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स. देयर फीलिंग्स आर रियली स्ट्रॉन्ग फुल. दे वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट इन दिस कनेक्शन, और उस चीज़ को वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं. वॉट इज़ दिस फूल अबाउट? मुझे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है रिसेंटली इस पर्सन ने या तो आपके हॉस्टल वगैरह को छोड़ा है, या शहर को छोड़ा है, आपके जॉब को, मतलब जहाँ रह रहे थे वहाँ से शिफ्ट करा है. तो दे कीप थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट बिकॉज दे आर मिसिंग यू. द हर्मिट फ्रेंड्स, ये बहुत ही सीक्रेटली आपसे बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हैं, एंड दे वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट विद यू, लेकिन वो आपको कह नहीं रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल दफन करके रख रहे हैं. Wheel of Fortune, they are waiting for the turn. I think इन्होंने destiny या you know इनको ऐसा लगता है कि destiny ने आपसे मिलवाया और destiny ने आपसे दूर कर दिया, but they now believe कि destiny ही आप दोनों को वापस मिलवाएगी, and they are waiting for the right turn. They are waiting for the right you know turn of events, और उसके लिए वो hard work कर रहे हैं. They are working on it. Let's see what else, how this person feels about a viewer. The soul, wow, बहुत ही दे सी यू एज योर सोलमेट फ्रेंड्स. डेफिनेटली अगर वो आपसे दूर हैं तो उनको लगता है कि वो अपना दिल, जज्बात, प्यार, मोहब्बत, सोल आपको दे गए हैं और अब लाइफलेस घूम रहे हैं. ओ माई गॉड, आइडेंटिटी. आई थिंक दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू एन आइडेंटिटी क्राइसिस. हो सकता है जब उन्होंने आपको छोड़ा तब, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, व्हाट्स द ईजीएस्ट एंड द बेस्ट वे टू से दिस. आई डोंट नो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने जो डिसीजंस लिए वो उनके उस टाइम के बेस्ड इमोशंस या समझ पे थे. जो आज उनके पास समझ है वो नहीं थी उनके पास पहले. इट वाज लाइक उनको पैसे की ज़रूरत थी, उन्होंने काम को चूज़ कर लिया. उनको यू नो उनको लग रहा था कि वो अकेले नहीं रह सकते, उनको लग रहा था कि फैमिली प्रेशर है, उनको लग रहा कुछ ऐसा था जैसे दे कांट, उनके एक्स थे उनके बिना नहीं रह सकते उनको लग रहा था. बट नाउ they know that they can't live without you. तो उन्होंने गलत चूज करा. अब उनको आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके साथ ही उनका दिल लगता है. लाइक दिस पर्सन इज कम्प्लीटली themselves, होल
जब ही होते हैं जब आप उनके साथ हो. अब वो आई डोंट नो व्हाट्स द बेस्ट, दे आर इनकम्प्लीट फ्रेंड्स, दे आर इनकम्प्लीट एंड दे रिग्रेट इट. सॉलिट्यूड बहुत ही अकेलापन है फ्रेंड्स. लुक एट दैट, ये अपने टूटे दिल के साथ घूम रहे हैं एंड लुक एट दैट. ओ माय गॉड, अगर ये क्रश भी हो और इन्होंने आपको मना कर दिया कि नो आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स, माय गॉड फ्रेंड्स, यू हैव कास्ट अ स्पेल ऑन दिस पर्सन. अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन किसी और से शादी करके खुश है या आपको दुखी छोड़ के तन्हा छोड़ के चले गए हैं, नो फ्रेंड्स, दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू एन आइडेंटिटी क्राइसिस. उनको यही नहीं पता वो कौन है, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अकेलापन, तन्हाई उनको खाए जा रही है. एंड आप देख रहे हो सारे कार्ड्स डार्क आए, ऑल्दो दिस डेक हैज़ अ लॉट ऑफ वाइब्रेंट कार्ड्स. जस्ट लुक, ऑल द कार्ड्स आर नॉट रियली डार्क, लुक देर आर नाइस कार्ड्स ऑल्सो, लेकिन सारे ही डार्क आए. सॉलिट्यूड आया है, तन्हा, बेहद तन्हा. फ्रीडम, दे वॉन्ट फ्रीडम फ्रेंड्स, उनको फ्रीडम चाहिए फैमिली प्रेशर से, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन से, अपने ग्रीड से. दे वॉन्ट, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है उससे फ्रीडम चाहिए एंड दे वॉन्ट टू बी बैक टूवर्ड्स यू. अगर उन्होंने पैसा चुना है तो उससे भी वो मतलब तंग आ गए हैं कि क्या फेक सी, आई फील इन्होंने एक फेक लाइफ चुन ली है फ्रेंड्स. विजडम, विजन, या आई थिंक इनको पहले समझ नहीं थी. और आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इनको पहले इन्होंने ऐसा नहीं पता और अब पता हो गया, कि फ्रेंड्स हम विद टाइम वी ग्रो राइट. सो पहले इन्हें नहीं पता था ये क्या कर रहे हैं और अब इन्हें पता है ये क्या हो गया है. एम्पैथी, दे वांट योर यू नो फ्रेंड्स, दे वांट योर कंसिडरेशन, दे वांट योर एम्पैथी. आई थिंक आप बहुत ही काइंड और स्वीट हो इस पर्सन के लिए, या बहुत ही स्वीट थे इस पर्सन के साथ या अभी भी हो. सो दे रियली लव दैट अबाउट यू एंड दे वॉन्ट दैट ग्रेटिट्यूड. दे फील वेरी ब्लेस्ड कि वो आपसे मिल पाए. गिल्ट, द गिल्ट इज़ हैवी फ्रेंड्स, वो जानते हैं उन्होंने गलत किया है. देर इज़ नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो उनको पता नहीं हो. अगर आपको लग रहा है कि अरे इसने, इन्होंने शादी कर ली है, ये तो छोड़ के गए हैं हमें, तो बहुत खुश हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स. दे आर हैवी गिल्टी और उन्हें पता है. जजमेंट, या आई थिंक अपने आप को बहुत जज करते हैं आपके पर्सन, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ ब्लेम, सेल्फ लोथिंग कहते हैं ना, सेल्फ हेट में पहुँच गए हैं, एक सेल्फ हेटिंग एटीट्यूड में आ गए हैं, जहाँ पे वो टॉक्सिक हो चुके थे फ्रेंड्स. आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे भी आया है टेम्परेंस, कि वो बैलेंस आउट कर रहे हैं खुद को. एडवर्सिटीज़, या आपके पर्सन काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं फ्रेंड्स. आपसे दूर होकर उन्होंने बहुत कुछ फेस करा है. सेल्फ एस्टीम, और उनका जो आपको छोड़ने से उनका रिस्पेक्ट भी कम हुआ है कहीं ना कहीं. जो उनका एक प्राइड था, एक सेल्फ एस्टीम होता है कि हाँ यार हम सब यू नो, दिल, आप मुझसे अभी भी पूछोगे कि यू नो लोग दिल की क्यों नहीं सुनते हैं और क्या फ़र्क पड़ता है नहीं सुनते हैं, तो मैं बताती हूँ फ्रेंड्स क्या होता है. इट्स ऑल राइट, यू कैन नॉट, यू मे नॉट लिसन टू योर हार्ट, बट यू नो उसके बाद क्या होता है, आप ऐसे खोखले हो जाते हो, यू बिकम एम्प्टी डीप इनसाइड. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, हो सकता है आपको लगे दूसरों को देख के कह रहे यार ये तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बट आर यू श्योर? आप कभी उनकी गहराई में, आँखों में देखें? लोग बहुत ही तन्हा घूम रहे हैं. अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई विल से दैट लुक एट दैट सॉलिट्यूड, आई एम ब्रोकन इनसाइड, लुक एट दैट एम्प्टी, एम्प्टी डॉल्स. दिस पर्सन इज एम्प्टी फ्रेंड्स, को क्रिएट. आई थिंक वो आपके साथ मिल बैठ के यू नो समझना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं. डेफिनेटली लेट्स सी फ्यूचर में क्या होगा इस कनेक्शन के. नंबर 40 इंपॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट 4 घंटे, 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने इंपॉर्टेंट लग रहे हैं. द मंथ ऑफ अप्रैल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. 4th महीना अप्रैल का है, तो अप्रैल आ ही रहा है, तो अप्रैल इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे. हम बिटवीन द वर्ल्ड्स, या फ्रेंड्स, आपके पर्सन डेफिनेटली दो नावों पे झूल रहे हैं. कभी तो वो चाहते हैं आपके पास आना, कभी वो चाहते हैं डर के एकदम दूर भाग जाना. सो दे आर डेफिनेटली कॉन्स्टेंटली बिटवीन टू थिंग्स. चेंज इज़ कमिंग फ्रेंड्स, इस कनेक्शन में पॉजिटिव चेंज आने वाला है. नंबर 12, नंबर 3 इंपॉर्टेंट लग रहे हैं. हो सकता है 12th को या 3rd मार्च वगैरह को उनका बर्थडे हो, या 12th मार्च को हो सकता है. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. टू बी फेयर, नंबर 38, आई डेफिनेटली फील फ्रेंड्स एक अपॉलॉजी या कोई ना कोई बैलेंसिंग फैक्टर इस कनेक्शन में अभी भी ड्यू है जो नहीं हुआ है. देर नीड्स टू, एक कार्मिक बैलेंसिंग बाकी है. आप सोच रहे होगे कि ये पर्सन तो मूव ऑन कर गए, शादी कर लिए इन्होंने, तो हमसे बहुत दूर हैं, वाई आर वी स्टिल वॉचिंग दिस. द रीज़न इज़ फ्रेंड्स कि देर इज़ सम कम्प्लीशन, देर इज़ सम
फिक्सिंग जो कार्मिक बची है इस कनेक्शन में, एंड दैट विल हैपन. टाइम टू गो. आई डेफिनेटली फील हो सकता है आपके पर्सन वापस आएँ, आपको प्रपोज करें और माफ़ी मांगें, बट आई डोंट नो इफ़ यू विल एक्सेप्ट देम. आई फील फ्रेंड्स आप एक्सेप्ट नहीं करोगे उन्हें, और ऐसा उनको लगता है क्योंकि वो आपको छोड़ के गए थे. मुझे लग रहा है डिवाइन कनेक्शन, यहाँ दिस इज़ अ प्योरली डिवाइन कनेक्शन फ्रेंड्स, और इसी वजह से आप शायद अभी भी ये रीडिंग देख रहे हो और सोच रहे हो कि क्या है. अगर ये आपके बॉस वगैरह भी हैं तो देर वॉज अ स्पिरिचुअल रीज़न कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए. सो यू नो एट इज़ ऑल्सो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके, दैट्स द रीज़न यू कॉन्ट फॉरगेट देम, दे कॉन्ट फॉरगेट यू. कम्युनिकेशंस, आई डू फील फ्रेंड्स इसका रिलेशनशिप में आपको कम्युनिकेशंस मिलने वाले हैं. हो सकता है वो आपको डायरेक्टली अप्रोच करें, मिलने आएँ, या फेट आप दोनों को वापस मिलवाएगा, या कोई ना कोई चेंज, या कुछ आपको ऐसा सोशल मीडिया पे आपके पर्सन के बारे में दिखेगा, या वो कुछ ऐसा पोस्ट करेंगे जिसके बाद यू विल बी लाइक वाओ फाइनली थिंग्स, कुछ तो आपको पता चला है जो कि बहुत नेसेसरी था. एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, आई डेफिनेटली फील आपके पर्सन आने वाले टाइम में फ्रेंड्स यू नो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे. स्पेशली इवन अगर ये क्रश है फ्रेंड्स, आई थिंक दिस पर्सन रियली लव्स यू एंड दे नीड टू कम आउट एंड से कि हाँ वी लव यू. प्रैक्टिकल इंट्यूशन, आई फील फ्रेंड्स आपका इंट्यूशन बहुत शार्प हो गया है, एंड वन ऑफ द रीजंस आप सोच रहे होगे कि उतार चढ़ाव क्यों आपको इस रिलेशनशिप से मिले हैं, ये क्यों दुख और दर्द मिले हैं. द रीज़न इज़ फ्रेंड्स के इस रिलेशनशिप ने आपके इंट्यूशन को बहुत बढ़ाया है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोलमेट लग रहे हैं आपकी लाइफ के, सो इट्स अ गुड थिंग. जो भी हुआ अच्छा हुआ, यू कैन से दैट. आई ऑल्सो फील के पर्सन से मिलने या बात करने से पहले आपको कोई ड्रीम आ सकता है, इंपॉर्टेंट साइंस या मैसेज आ सकते हैं. सो यू विल हैव दैट कि आपको लगे कि अरे यार ये शायद कॉल करेंगे या शायद आपसे कहीं रस्ते में टकराएंगे, एंड येस इट विल हैपन. एनी एडवाइस फॉर आर व्यूवर्स? एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, फ्लो इन द मूवमेंट. सो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप ज़्यादा चिंता मत करो, पास्ट और फ्यूचर को लेके परेशान मत हो. अगर आप इनसे मैरिड भी हो तो फोकस ऑन द प्रेजेंट मूवमेंट एंड कीप मूविंग इन दैट. थ्रू ग्रैटिट्यूड, आई थिंक आपको भी थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है. यू नीड टू फाइंड द बैलेंस अबाउट दिस पर्सन एंड रिलेशनशिप, कि आपको भी थोड़ा सा ब्लेस्ड यू नो थोड़ा सा ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है. कि हो सकता है आप अभी थोड़ा नेगेटिव फील कर रहे हो, सो चेंज दैट, ट्राई टू फाइंड सम ब्लेसिंग इस सिचुएशन में भी. टेक योर फर्स्ट स्टेप, इट्स टाइम कि आप अपने ऊपर फोकस करो फ्रेंड्स, और आप अपनी लाइफ के ऊपर बढ़ना शुरू करो. और यू नो किसी का वेट करना है और रुके रहना सही नहीं है, स्पेशली यू नो व्हेन यू कीप फ्लोइंग कीप मूविंग. यू नो ठहरे पानी जो है वो गंदा हो जाता है, बहती नदी जो है वो साफ रहती है. सो आप नदी की तरह खिलखिल खिलखिल बहते रहिए. यस, एक्सपैंड योर होराइजंस, इट्स टाइम टू एक्सपैंड योर लाइफ. एनीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. सो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है. इट्स नॉट लाइक कि आप अभी अगर आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ पे, अपने वर्क पे, अपनी हॉबीज़ पे फोकस करोगे, अपने आप पे फोकस करोगे तो इनसे दूर हो जाओगे. नहीं, हो सकता है वही आपको पास ले आए इनके. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द योर पर्सन्स मैसेज फॉर यू, व्हाट दे वांट टू से टू यू डायरेक्टली आपके दिल से दिल तक. सेक्सुअल डिज़ायर्स, क्या बात है फ्रेंड्स. सो दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड आपकी तरफ. एंड आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो भाई, सीरियसली. और अगर आपको कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो फ्रेंड्स मर्करी रेट्रोग्रेड जाने वाले, मैं पहले ही बता देती हूँ आपको. अप्रैल 1 से अप्रैल 25 तक मर्करी रेट्रोग्रेड रहेगा. जी हाँ. What is the truth? So definitely friends, आपके person काफ़ी confused लग रहे हैं. हो सकता है वो खुद से इतने झूठ बोल चुके हैं कि अब उन्हें सही समझ ही नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है. I wish I could be fully honest with you. See, मैंने आपसे कहा था कि वो आपको सच बताना चाहते हैं, कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं. I can't come to you now. Definitely वो आपसे दूर हैं और कोशिश कर रहे हैं खुद को balance out करने की. You were right. So आपने इनसे कुछ कहा था, वो सही निकला. I need to hold back my true feelings for you. या अगर ये क्रश है, इन्होंने आपको नहीं बताया फ्रेंड्स कि यू नो मे बी आपके बॉस हैं. आई डोंट नो वाई, बट उन्होंने आपको अपनी सच्ची अट्रैक्शन जो थी नहीं बताई. यू डिज़र्व बेटर. उनको ये भी लगता है कि शायद आप एक बहुत ही अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हो, और शायद वो सही पर्सन नहीं है आपके लिए. ऐसा आपके पर्सन को लगता है. आई एम सॉरी फॉर द कैमरा फ्रेंड्स, लेट्स सी इफ वी कैन फिक्स इट.
चलिए देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। आई वॉन्ट आउट। ओके, आई थिंक हो सकता है उनको ऐसा लगा हो कि यू नो यू आर अमेजिंग फ्रेंड्स, और इस उनको मतलब लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह हो उनको शायद इस वजह से। यू नो कई बार होता है कि आप कहोगे आई वॉज हर्ट बाई यू, ओके, सो हो सकता है आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया हो और कहा हो कि अरे आपकी गलती से हम दूर जा रहे हैं। समवेयर दिस पर्सन रियली प्लेड अ माइंड गेम फ्रेंड्स, दैट्स नॉट फेयर। और शायद इसलिए उनको लगता है कि यू डिज़र्व बेटर, मतलब उन्होंने खुद को ही धोखा दिया, लेकिन उनको लगता था वो आपको दे रहे हैं लेकिन वो धोखा खुद को दे रहे थे। इट हर्ट्स सो मच। या एग्जैक्टली उन्होंने उनको लगा था कि वो आपको धोखा दे रहे हैं लेकिन हो गया धोखा उनके साथ, सो इट हर्ट्स सो मच टू देम। प्लीज़ डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। अब वो चाहते हैं कि आप अपने लिए जो सही है वो करें, और अगर वो आपके लिए सही है उनका ना वेट करना तो आप वो ही करो। इफ़ यू फील एंगर फॉर दिस पर्सन मे बी दैट्स ऑल्सो राइट। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी एंड डेफिनेटली आप जैसा कोई उनको नहीं मिला है फ्रेंड्स। दैट्स बैड यू नो। आई थिंक इन्होंने माइंड गेम्स खेले हैं फ्रेंड्स आपके साथ। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। सी धीरे धीरे आ रहे हैं उनके जज्बात फ्रेंड्स। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट यार। डेफिनेटली हो सकता है ये पर्सन यंग हैं तो इनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इशूज हैं सेल्फ। और आप मुझे कहो, मैंने आपको इस रीडिंग में कई बार बोला है कि इनको कुछ चीज़ें पहले बिल्कुल नहीं आइडिया थी। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि बहुत ही इगोइस्टिक थे या बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर थे, और सडनली ना यू नो अब जाके मेच्योरिटी आ रही है इस पर्सन में कि यार आई हैड अ डायमंड एंड आई लॉस्ट इट। और आप कहोगे कि लोग प्यार क्यों छोड़ देते हैं, वाई यू नो वेरी फ्यू पीपल विल गो आफ्टर लव फ्रेंड्स। मैं आपको ये सच बताती हूँ, अगर आप स्टिल ये रीडिंग देख रहे हो तो यू स्टिल लव दिस पर्सन एंड दैट्स अमेजिंग थिंग, बिकॉज प्यार बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है। भले रिटर्न में मिले ना मिले लेकिन जहाँ भी है इट्स द मोस्ट वैल्यूबल थिंग इन लाइफ। सो कीप इट, बी हैप्पी कि आप तो प्यार करते हो यू नो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट। और आई थिंक इन्होंने सिंस प्यार को बहुत ही ग्रांटेड लिया तो अब ये बिल्कुल फेक नो अंदर से खोखले हो चुके हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, सी दे कांट अंडरस्टैंड के कनेक्शन क्या है, वॉट इज़ गोइंग ऑन, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। आई ऑल्सो फील के इस पर्सन को डर भी है कि अगर वो वापस आ जाएंगे तो क्या आप उन्हें छोड़ने के नहीं चले जाओगे, क्योंकि अक्सर होता है फ्रेंड्स जब धोखा अगर दिया हो तो लगता है कि मिलेगा भी से ज़िंदगी में, क्योंकि यू नो लाइफ हैज़ एवरीबडी नोज कर्मा एग्जिस्ट। जो हमने एक्शंस किए हैं वो वापस आएंगे। अब इन्होंने आपके साथ गेम खेले हैं फ्रेंड्स तो इनको लगता है कि आप वो आपको छोड़ के गए तो उन्हें लगता है कि अगर आप वो वापस आएंगे आप भी छोड़ के चले जाओगे। दुविधा है इन्हें। सो फ्रेंड्स प्लीज़ आप खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए, और डेफिनेटली आपके पर्सन भी आपको काफ़ी सोच रहे हैं जैसे मैं आपको हमेशा सोचती रहती हूँ और प्रे करती रहती हूँ पर अच्छे अच्छे ख्यालों में। तो चैनल को मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, पर्सनल रीडिंग्स लिए विजिट आवर वेबसाइट। दिस इज मिस्टिक सी सिंह, बाय बाय।